हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लैकहेड्स रिमूविंग दिखाऊंगी। ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स हमारे स्किन पे बहुत ही बुरे दिखते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लींजर अप्लाई करेंगे, और क्लींजर अप्लाई करने के बाद क्लींजर से आपको 2-3 मिनट तक स्किन पे अच्छे से मसाज करना है। इससे आपका स्किन सॉफ्ट हो जाएगा और स्किन का जो डर्ट और जो मैल है वो बिल्कुल चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको स्क्रबर अप्लाई करना है। तो मेरे पास है VLCC का स्क्रबर, इसको मैं नोज़ और चिन एरिया में अप्लाई करूँगी। और अप्लाई करने के बाद अच्छे से स्क्रबिंग कर लूँगी। स्क्रबिंग करने से आपका जो स्किन का डेड सेल है वो बिल्कुल चला जाएगा और स्किन बहुत ही साफ और सॉफ्ट हो जाएगा। इससे आपका व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स जो है अच्छे से निकालने में आसानी होगी। तो ऐसे ही आपको 3-4 मिनट तक अच्छे से इसको मसाज करना पड़ेगा। आप इसे घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रबर अप्लाई करने के बाद आपको ब्लैकहेड्स रिमूव करना है। स्क्रबर अप्लाई अच्छे से करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज आपको इसे अप्लाई करना है, और ज़्यादा ज़ोर से नहीं घिसना है। स्क्रबर को ज़्यादा ज़ोर से नहीं मसाज करना चाहिए, हल्के हाथ में इसको मसाज करना पड़ता है। तो इससे आपका ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स जो भी है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ब्लैकहेड्स तो ज़्यादा नहीं है व्हाइटहेड से। इसके बाद आप फेस स्टीमिंग कर लेंगे, और स्टीमिंग से आपका जो पोर्स है वो बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, और ब्लैकहेड्स अगर है और व्हाइटहेड्स है वो अच्छे से निकल आते हैं, पोर्स के अंदर से निकल आते हैं। ये सबसे सही तरीका है ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स रिमूविंग का। तो ऐसे ही ब्लैकहेड्स पिन रहता है, इससे आपको ब्लैकहेड्स रिमूव करना है स्टीमिंग के बाद। और ब्लैकहेड्स पिन से रिमूव करने से आपके पोर्स के जो बिल्कुल अंदर से आपको ब्लैकहेड्स और रिमूव हो जाते हैं, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स। और जो मार्केट में दिखाते हैं कि फेविकॉल और चारकोल और जो पील ऑफ मास्क है वो काम करते हैं, लेकिन ऊपर, लेकिन ये जो तरीका है ये आपको जो पोर्स के अंदर से आपका जो ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स वो बिल्कुल निकल जाता है और बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन लगता है। देखिए कितनी आसानी से ब्लैकहेड्स तो नहीं है, व्हाइटहेड्स है, कितनी आसानी से निकल आ रहे हैं। और अगर आप स्टीमिंग और स्क्रबिंग अच्छे से करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल आ से, तो ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही करना है आपको। अगर घर में करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सैलॉन में ये बहुत ही अच्छे से होगा आई थिंक। नोज़ एरिया में सबसे ज़्यादा ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स होते हैं, और यहाँ पे ब्लैकहेड्स नहीं है व्हाइटहेड्स है, लेकिन व्हाइटहेड्स कभी कभी हम सीबम, हमारा स्किन का जो सीबम रहता है उसे व्हाइटहेड्स मान के हम बहुत ही उसके साथ निकालने में ये रहता है, लेकिन वो सीबम नहीं होता है। छोटे छोटे जो पोर्स रहते हैं वो होता है, स्किन का ही वो एक हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे व्हाइटहेड्स है, आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए। और चिन एरिया में भी बहुत ज़्यादा व्हाइटहेड्स रहते हैं, ब्लैकहेड्स तो नहीं रहते हैं वह, लेकिन व्हाइटहेड्स रहते हैं। तो टी जोन में ज़्यादातर ये हो जाते हैं, क्योंकि टी जोन में हमारा ऑयल फॉर्म ज़्यादा होता है, तो इसीलिए टी जोन में ज़्यादातर व्हाइटहेड्स ब्लैकहेड्स हो जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार अगर हम इसे रिमूव कर ले तो स्किन बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस दिखता है। इसके बाद हम एलोवेरा जेल है, इससे अच्छे से मसाज कर लेंगे जहाँ पे भी हमने रिमूव किया है। और देखिए स्किन कितना फ्लॉलेस और चमक रहा है व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स निकालने के बाद। अच्छे से मसाज करके फिर उस एरिया को काम और रिलैक्स कर लेंगे। देखिए कितना स्किन स्मूथ और लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।